हेलो दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं टेक पॉइंट दुनिया चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका फिर एक बार टेक पॉइंट दुनिया चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप घर बैठकर फ्री में कैसे एक निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो आज के वीडियो हम जानेंगे कि इस प्रोसेस से आप अपनी सभी फैमिली मेम्बर का, जैसे कि स्वयं का, माता का, पिता का, पत्नी का और भाई बहन का निवास प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये फुल प्रोसेस में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं एक ब्राउज़र की ओर। तो मैं यहाँ पे गूगल सर्च कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं एमपी में बताऊँगा कि कैसे निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं टाइप कर लूँगा एमपी ई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और मैं फर्स्ट वाला लिंक ओपन कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले रजिस्टर्ड के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखा हो आपने मेरा पुराना वाला वीडियो तो आप देख लीजिए, वो इनकम सर्टिफिकेट वाला, ठीक है, उसमें आपको पंजीयन की प्रोसेस मिल जाएगी। अब बात आती है यहाँ से लॉगिन करने की, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सरल है फ्रेंड्स, आप आसानी से कुछ ही समय में कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से मैं अपना कैप्चा फिल कर देता हूँ और यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा। तो हम आ गए इसमें लॉगिन करके इसके पोर्टल पे। देखिए, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आ रही है। अब हमें निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है, तो थोड़ा आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे प्रमाण पत्र पे जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए, इसमें 20 प्रकार के प्रमाण पत्र आते हैं, वो आप इस पर पढ़ सकते हैं। तो हमें स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए, घोषणा पत्र यहाँ पे भी दिया, जैसे इनकम सर्टिफिकेट में दिया था, तो इसे आप अपलोड कर सकते हैं, बट इसमें DSD फाइल लगेगी, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, तो वो हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इनने बताया है कि आप लोक सेवा केंद्र से 30 रुपये में बनवा सकते हैं, एमपी ऑनलाइन से 30 रुपये में बनवा सकते हैं और CSC से 30 रुपये में अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे निःशुल्क अप्लाई करना है। और हाँ, ये आपको 7 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, शहरी हो या ग्रामीण, ठीक है। तो हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसके फॉर्म पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डालेंगे, जिसका हम स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, और यहाँ से गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक OTP आ जाएगा, जो इस आधार कार्ड से लिंक है, तो थोड़ा सा समय ले सकता है। ये OTP आ गया है, हम OTP डालेंगे यहाँ पे। और यहाँ से हम वेरीफाई कर देंगे। तो जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, हमारी डिटेल यहाँ पे इस फॉर्म में कुछ भरी हुई आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे मेरा नाम आ गया है, यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, यहाँ मैंने लिंक चूज़ कर लिया है, महिला या पुरुष, यहाँ पे मैंने वर्ग चूज़ कर लिया, कौन से वर्ग में आते हैं आप, SC ST OBC में आते हैं। यहाँ से आप व्यवसाय चूज़ कर सकते हैं, आप विद्यार्थी हैं, कृषक हैं, व्यवसायी हैं या अन्य हैं, ठीक है, जो भी आपका है। क्या आप गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, तो आप हाँ या ना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फादर नेम आपका लिखा आ जाएगा, यहाँ पे आपका मदर नेम आपको टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, फर्स्ट वाला। दूसरा, आपका व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, क्या आप शिक्षित हैं, यहाँ आपको चूज़ करना है। आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से आप अपना ज़िला चूज़ कर लीजिए, तहसील चूज़ कर लीजिए, और शहरी में रहते हैं या गांव में रहते हैं, ग्राम का नाम चूज़ करना है। यहाँ से फिर आपको वार्ड नंबर चूज़ करना है, मकान नंबर आपको डालना है, और आपका यहाँ पर मोहल्ले का नाम डालना है, और यहाँ पर आपका पिन कोड फिल करना है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको चूज़ करना है कि आप विवाहित हैं या नहीं हैं। अगर आप विवाहित हैं तो हाँ कर दें, हाँ में आप अपनी पत्नी का नाम डाल दें और उम्र डाल दें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या आप मध्य प्रदेश में
पात्रता के किस मापदंड को पूरा करते हैं? तुम आवेदक मध्य प्रदेश में पैदा हुआ और मध्य प्रदेश राज्य में स्थिति किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर 3 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है, तो हम ये फर्स्ट वाला मापदंड पूर्ण करते हैं और जो आपको लगे वो आप इसमें चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे शपथ पत्र पे मापदंड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक शपथ पत्र खुलकर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने अपना नाम डाला है, पिताजी का नाम है, उम्र है, यहाँ पे पत्नी का नाम और उम्र है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो इनने बताया कि आपने जो डिक्लेरेशन दिया है वो इनने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। उसके बाद शपथ पत्र जो आपका दिखाया गया क्या वो आपके आधार कार्ड से सही है, अगर नहीं है तो आप ना और हाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एक छाया प्रति लगाना, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से चूज़ करना है कि आप जो सर्टिफिकेट है क्या कोरियर से भी हार्ड कॉपी में घर जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, तो जैसा भी आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपको एक इस प्रकार का नंबर मिल जाएगा, इस नंबर से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कभी भी। ये प्रक्रिया आपकी 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और आपको इस प्रकार की रसीद भी मिल जाएगी। तो आशा है फ्रेंड्स कि हमारी दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगे दोस्तों तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।